बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उज्जैन और मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बड़ी खबर भोपाल से, महाकाल नगरी से आज होने जा रहा है 5G सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे उज्जैन 5G सेवा की शुरुआत। महाकाल लोक से प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन से इसकी शुरुआत होगी। रिलायंस जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद इंदौर भोपाल सहित अन्य नगरों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। जियो महाकाल लोक समेत खजुराहो भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थलों को चुना गया है। 5G सर्विस के फ्री वाईफाई जोन स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो उज्जैन का दौरा है, विराट संत सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बता दें, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर जो है वो आज हो रही है, यानी राज्य में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल लोक के आंगन में यानी उज्जैन में सबसे पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में इसके बाद ये सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी और इस सुविधा से कह सकते हैं कि व्यापार जगत में काफी लाभ जो है वो मिल जाएगा। तो मोबाइल क्रांति में मध्य प्रदेश अब पीछे नहीं है, यानी देश के बड़े शहरों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर भी 5G नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। उज्जैन में 5G नेटवर्क का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों होना है। दोपहर का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ के हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, मध्य प्रदेश यानी अब पीछे नहीं रहेगा मोबाइल क्रांति की दुनिया की अगर हम बात करें, तो बड़े शहरों की तर्ज पर उज्जैन को चुना गया है। आज मुख्यमंत्री कितने बजे इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और इसके बाद वाईफाई की जो सुविधा है वो किस तरह से किस जोन में मिलेगी, और दूसरी तरफ इसका शुभारंभ जो है वो अगले कौन कौन से जो शहर है वो चुने जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, जो महाकाल लोक से आज मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो भोपाल और इंदौर, खासतौर पर भोपाल के करीब 6 महीने पहले इसकी टेस्टिंग हो गई थी, लेकिन ये माना जा सकता है कि चुनावी साल के चलते शायद इसको रोका गया था और महाकाल लोक से इसकी शुरुआत हो रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि 2023 जब शुरू होगा तो भोपाल और इंदौर को भी इसकी सौगात जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये फुली इनेबल्ड सिटीज हैं जो टेस्टिंग सबसे पहले जिन शहरों में हुई थी उनमें भोपाल भी शामिल था। तो इस लिहाज से माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए आज एक बड़ा दिन है 5G सेवाओं की शुरुआत के लिए। आज से और जल्दी भोपाल और इंदौर जैसे शहर भी इससे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, भोपाल और इंदौर शहर जो है वो इससे जुड़ जाएंगे। और इसके पहले महाकाल लोक का जब शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री ने, तो ये कहा था अपना वादा जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। तो अब नेटवर्क के माध्यम से व्यापार जगत में भी काफी लाभ मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश में होनी है, और जब मध्य प्रदेश जो 5G इनेबल्ड स्टेट रहेगा तो एक बड़ा पक्ष रहेगा मध्य प्रदेश के लिए ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं, खासतौर पे IT सेक्टर जो एक बड़ा उद्यम है, तो ऐसे में उन सेक्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। और यही कारण है कि महाकाल लोक में शुरुआत होने के साथ साथ ये भी बिल्कुल तय माना जा रहा है कि बहुत जल्दी या ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पहले इंदौर और भोपाल को भी ये सौगात मिल जाएगी। बिल्कुल, तो बड़ी सौगात जो है वो आज मिलने जा रही है। 5G नेटवर्क सुविधा का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, और कह सकते हैं कि IT जगत में इससे ज्यादा बूम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हालांकि इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 5G नेटवर्क सुविधा का शुभारंभ महाकाल लोक से ही किया जाना है, और इसी के चलते अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। 5G नेटवर्क जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर, एक अच्छी सौगात जो है वो आज मिलेगी।